को जिस प्रकार से परेशान करने की कोशिश की गई है, और हम लोग तो लगातार कहते थे कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रमाण क्या है? और जो कुछ भी कन्हैया जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि हम भारत से आजादी की नहीं लेकिन भारत में आजादी की बात करते हैं और मांग करते हैं, जो बिल्कुल सही है। भुखमरी से आजादी होनी चाहिए, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं यहां गरीबी से होनी चाहिए, जो असहिष्णुता है उससे आजादी होनी चाहिए, तो इन सब चीजों से पूंजीवाद से छुटकारा मिलना चाहिए। तो अपना विचार उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से रखा और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी नई पीढ़ी में बहुत क्षमता है और ऐसे जो होनहार छात्र और युवा आगे आएंगे तो देश में लोकतंत्र की जड़ और मजबूत होगी। जो अपने वायदे को निभा नहीं पा रहे हैं, जैसा आपने देखा कि चुनाव में जो वायदे किए गए, काला धन लाएंगे, अब तो काला धन वालों का धन सफेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई गई, और किसी के अच्छे दिन तो नहीं लेकिन काला धन वालों के अच्छे दिन जरूर आ गए इस बजट के बाद से। तो जहां अपने वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं, युवाओं में जो एक एस्पिरेशन है, उनकी जो आकांक्षा है, उसको उन्होंने खूब उभारा था चुनाव के दौरान 2014 में, आज युवाओं के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, विकास के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे। किसानों को जो वादा किया था कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे, बात ये किसान की कर रहे हैं लेकिन किसान की आमदनी बढ़ेगी कैसे, दुगना होने की बात कर रहे हैं 2022 तक, 2019 तक ही इनका टेनियर है, तो फिर सब जबाग दिखा रहे। तो इस तरह का जहां वातावरण हो, वैसी स्थिति में जो एक असंतोष पनप रहा है पूरे देश में, उसको दबाने के लिए अब ये नया सगुफा इन्होंने देशभक्ति का छोड़ा, और ये बात साबित होती है कन्हैया जी के भाषण से। जो उन पर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं उनकी तुलना में ज्यादा देशभक्त हुआ। तो इसलिए मैं उनको पूरी अपनी शुभकामना देता हूं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी शुभकामना देता हूं कि उन्होंने इस पूरे अभियान में और पूरा जो एक दौर चला है और आगे भी ये चलने वाला है, इसमें एक होनहार युवा नेता